गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह द व्याकरण से चैप्टर 26 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग आज हम पढ़ेंगे देखेंगे। सबसे पहले निबंध क्या होता है यह देखते हैं। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है कि पढ़ने वाला उसे निरंतर पढ़ता चला जाए। निबंध ऐसा होना चाहिए कि उसे एक बार में ही सरलता से पढ़ा जा सके। हमारे आज का निबंध का टॉपिक है समय का महत्व। समय टाइम सभी को पता है क्योंकि सभी के जीवन में समय का बहुत महत्व है। यहाँ आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। प्रस्तावना, समय का महत्व, समय नष्ट करने से हानि, उपसंहार। इन संकेतों के आधार पर किस तरह से निबंध लिखा गया है चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। समय निरंतर गतिशील है। जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं लाया जा सकता। समय का चक्र निरंतर गतिमान होने के कारण जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। हर बीतते पल के साथ हमारी जीवन यात्रा कम होती चली जाती है। यदि एक पल भी व्यर्थ चला गया तो वह कभी नहीं आ सकता। मानव के जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु समय ही है। बंद मुट्ठी से रेत की तरह कब यह हाथ से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। संसार में सफल वही व्यक्ति है जो बीतते पल का सदुपयोग कर ले। समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लाइफ में। समय ऐसी वस्तु है जो सिर्फ फिसलती ही चली जाती है। जिस तरह रेत हम हाथ में लेकर मुट्ठी बांध लेते हैं फिर भी वह फिसलती ही रहती है और आखिरी में क्या होता है, रेत हमारे हाथ से फिसल जाती है। उसी तरह समय भी हमारे हाथ से निरंतर निकलता ही जाता है और इसलिए कहा है समय बहुत मूल्यवान है। समय रहते अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ा लेना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं समय का महत्व। किसी ने ठीक ही कहा है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय निकल जाने पर पश्चाताप का कोई लाभ नहीं है। उचित समय पर किया गया कार्य ही लाभदायक होता है। कुछ पल की देरी से स्टेशन पहुंचा जाए तो रेलगाड़ी निकल जाती है और व्यक्ति को दूसरी गाड़ी के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। साक्षात्कार में देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवार अच्छी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। समय की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। अतः समय का सदुपयोग सभी के लिए आवश्यक है किंतु विद्यार्थियों के लिए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो छात्र अपना समय इधर उधर की बातें में गंवाते रहते हैं वे परीक्षा में असफल रह जाते हैं। जो विद्यार्थी समय से अपना कार्य करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षा के दिनों में तो एक एक पल बहुत कीमती होता है। कवि ने सच ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो कार्य आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। समय का महत्व समझने वाले व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहते। वे निरंतर अपने समय का सदुपयोग करते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। हम अपने बड़ों को हमेशा ये कहते सुनते हैं, अब पछताएं क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब समय निकल जाता है, समय रहते हुए आप कुछ नहीं करते हो और जब समय निकल जाता है तब सिर्फ आपको पश्चाताप करना ही होता है। ऐसा हम बड़ों को कहते हमेशा सुनते हैं
और वो बिल्कुल सही कहते हैं, समय रहते अगर हमने उस समय का सही उपयोग कर आगे बढ़ गए तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। और अगर समय का समय रहते हमने सिर्फ समय को हंसी ठिठोली में निकाला तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है स्टेशन पर, सही है, अगर हमें कहीं जाना है, ट्रेन का समय हमें पता होने के बावजूद अगर हम लेट पहुँचते हैं तो वह ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और जहाँ हमें पहुँचना होता है वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। फिर दूसरी ट्रेन के लिए हमें बहुत इंतज़ार करना होता है, मतलब जो हमारे पास जो समय था वह निकल चुका है। दूसरा उदाहरण इन्होंने यह दिया है कि इंटरव्यू को जाते समय अगर इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति सही समय पर पहुंचता है तो वह इंटरव्यू देकर अच्छी नौकरी पा सकता है, और अगर वह इंटरव्यू होने के बाद वहां पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता, मतलब वह अच्छी नौकरी से भी रह जाता है, अच्छी नौकरी करने से रह जाता है। यहाँ सबसे बढ़िया उदाहरण यह दिया है विद्यार्थियों के लिए। टीचर्स आप लोगों से कहती है पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, और आप लोग सिर्फ यह उम्मीद लगाए बैठे रहते हो कि हमें रिवीजन मिलेगा, हम टाइम पे पढ़ लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब आपसे पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप पढ़िए, पढ़ने से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी आपको सब कुछ सब याद होगा, और अगर आप समय पे पढ़ोगे तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप भूल जाते हो। और इसीलिए कहा गया है कि समय रहते छात्र अगर पढ़ाई करते हैं तो वह अच्छे नंबरों से पास होते हैं, अच्छे परसेंटेज बनते हैं उनके, अच्छे नंबर से पास होते हैं और अपने भविष्य में कुछ ना कुछ वो अच्छा ही करते हैं। पर जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट इधर उधर की बातें करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन बच्चों के लिए वह बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। उनका रिजल्ट क्या आता है यह आप लोग जानते हो, वह पास होते हैं, बाउंड्री पे पास होते हैं या अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और फिर जब आप अच्छे नंबरों से पास नहीं होगे तो फिर आप किस तरीके से क्या काम करोगे लाइफ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। समय नष्ट करने से हानि, जो समय नष्ट करता है एक दिन समय उसे ही नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही, जो समय की कद्र नहीं करता समय उसकी कद्र नहीं करता और एक दिन वह मिट्टी में मिल जाता है। कुछ ही पलों की देरी से परिस्थितियां बदल जाती है, जिससे समय को पकड़ लिया वही सुखी रहता है। कहा भी गया है कि सांप निकल जाने पर लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं कि नेपोलियन के हारने का कारण भी समय की देरी ही थी। उसका जनरल सेना लेकर पाँच मिनट की देरी से पहुंच जाता। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ नेपोलियन का एक उदाहरण दिया है कि नेपोलियन पूरा विश्व जीतने के लिए निकला था पर उसकी सेना 5 मिनट लेट पहुंची और वह दुनिया पे राज नहीं कर सका। समय रहते समय को नष्ट किए बिना उसके हर पल को अच्छे से जीना चाहिए। कुछ ही पल की देरी से परिस्थितियां भी बदल जाती है, इसलिए समय के हर पल को आगे बढ़ने के लिए उपयोग करना चाहिए, उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं उपसंहार। उपसंहार, समय सबसे बड़ा धन है। दिन रात चलती घड़ी भी यही संकेत देती है कि समय निरंतर गतिशील है, यह कभी नहीं रुकता। बड़े बड़े व्यवसायी, अभिनेता तथा नेताओं का एक एक पल पहले से निश्चित होता है। कब क्या करना है, कब कहाँ जाना है, कितनी देर रुकना है, सब कुछ पहले से निश्चित होता है। यदि एक पल भी उनका नष्ट हो जाए तो लाखों रुपयों की हानि तो होती ही है, साथ ही वे अधिक दिन तक प्रसिद्धि के शिखर
शिखर पर नहीं रहते। जरा सोचिए, यदि गंभीर ऑपरेशन के समय डॉक्टर थोड़ी देरी से पहुँचे तो क्या रोगी की जान वापस लाई जा सकती है? हमें चाहिए कि इस कीमती समय को व्यर्थ नष्ट न करें और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें। सही कहा है, समय सबसे बड़ा धन है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, यहाँ जहाँ कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या जहाँ कहीं इनॉग्रेशन करने जाएंगे, वहाँ उनका हर एक पल निश्चित होता है। वहाँ उन्हें जहाँ पहुँचना होता है, वहाँ वो भले ही लेट पहुँचे पर वहाँ समय रहते वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। कब क्या करना है, कब नहीं करना है, यह सब उनका पहले से ही निश्चित होता है। उनका एक एक पल नष्ट न हो जाए। नेता, अभिनेता, व्यवसायी, इनका एक एक पल कीमती होता है। उनका एक एक पल का लाखों रुपयों का नुकसान हो सकता है। उनके एक एक पल से लाखों रुपयों का नुकसान हो सकता है उन्हें। इसलिए वह अपने समय को निश्चित तौर पे सुव्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है और डॉक्टर ऑपरेशन के समय रहते ना पहुँचे तो क्या होगा? तो मरीज़ की जान भी जा सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। कीमती समय को व्यर्थ नष्ट न करें और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें। आज के निबंध से आपको समय का महत्व पता चल ही गया होगा। समय के महत्व को पहचानिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे परसेंटेज से, अच्छे नंबरों से पास होइए। यहाँ आपका समय का महत्व, यह निबंध कंप्लीट होता है।